ले स्वाति, ये 2000 रुपये तो बिजली के बिल के हैं। और ये 800 रुपये मेडिकल स्टोर वाले को देने हैं। अच्छा ये छोड़ो, ये तो मैं दे दूंगी। वो मुझे ना ब्यूटी पार्लर जाना था, उसके भी 500 रुपये दे दो। नहीं नहीं मेरे पे पैसे नहीं है, और 70 खर्चे हैं घर में। और भी किसी बात कर रहे हो, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, लाओ दे दो ना। अरे मैं मना कर रहा हूँ ना, अरे मेरे को और भी बहुत कुछ काम है। मतलब तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी सुंदर दिखे? अरे तो सुंदर की क्या बात है, तू तो वैसे इतनी सुंदर है। 500 रुपये की तो बात है, दे दो। अरे नहीं भाई, ठीक भी हो? अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या घुटमेंट चल रही है? और भाई बड़ा पैसे बांट रहा था, पैसे वाला हो गया? कुछ नहीं, वो बिल का वो दे रहा था। थोड़े से पैसे मुझे भी दे दे। ले बहन। अरे भाई तू रख ले, कोई बात ना, भगवान दे लंबी उम्र का। तो पता तेरा कितना बड़ा दिल है, बड़ी बहन कोई छोटे भाई से पैसे लेती है क्या? नहीं बहन, तू आज मामा थे अपने भाई को, तेरा भाई तेरे लिए जान भी हाजिर कर देगा। ले पकड़। अरे भाई रख ले तू, मैं तो वैसे कह रही थी। अमित तेरी बहन अब 10-15 दिन तेरे पास ही रहेगी। मैं दिल्ली कुछ काम से जा रहा हूँ, 10-12 दिन में आऊंगा, आता हुआ इसे ले जाऊंगा। कोई बात नहीं जीजा जी, जितने दिन भी दीदी चाहे उतने दिन रहे, इनका ही घर है। ले तो भाई, मैं तो थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तो चलूँ। अरे चले जाइए जीजा जी, अरे चाय पानी पी के तो जाओ। और ये लो 100 रुपये। अरे नहीं अमित, तू मेरे तो छुटका डर ले। अरे जीजा जी, जो कर्तव्य हैं वो तो मुझे निभाने पड़ेंगे, मेरे माँ बाप तो है नहीं। लो भाई, जब तू मान नहीं रहा कोई बात नहीं, चलो सब चाय पियेंगे बैठ के, चाय पी के जाना। चल जब तू नहीं मानता तो चल भाई। चलो जी चलो, लो मैं पकड़ लूँ। चलो यहाँ कितनी गर्मी हो रही, ना यहाँ बिजली ना कुछ। उन्हें भी दिल्ली जाना था, अपने घर पे ठीक थी मैं तो। ए स्वाति, स्वाति। हाँ जी दी। स्वाति मुझे बहुत गर्मी लग रही, मेरे नाम की थोड़ी सिकंजी बना दे। सिकंजी? वो एक्चुअली दी नींबू नहीं है घर पे। नींबू नहीं है? नींबू तो मैंने देखी है बाहर पेड़ पर लग रहे थे। अरे दीदी वे तो भी छोटे छोटे से हैं, उनका तो रस भी नहीं निकलेगा अभी। तो ऐसा कर थोड़ा ठंडा ही पानी दे दे, बहुत गर्मी लग रही है। दीदी ठंडा पानी भी नहीं ला सकती क्योंकि कल से फ्रिज खराब हुआ पड़ा है। मैंने अमित जी को 2 बार बोल दिया, शायद आज मिस्त्री आ जाएगा तो फ्रिज ठीक हो जाएगा तो मिल भी जाएगा। तो ऐसा कर सादा ही पानी ला दे। अच्छा दीदी मैं ना कपड़े धोने जा रही हूँ, सादा पानी ना किचन में रखा हुआ, वहां से ले लेना आप, ठीक है? हे भगवान, मैं तो अपने घर में अच्छी थी, सोचा क्या था मैंने कि थोड़ी घर घूम आऊंगी। भाई गर्मी, ले बहन चाय। चाय ला दो बना के। हाँ। चाहे स्वाति बना लेती है, तुमने क्यों बनाई? अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं बना सकता क्या? आज अपने भाई के हाथ की चाय पी के देख कैसी है। वाह मेरे भाई, बात ने तो कमाल कर दिया, चाय तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी। अगर किसी चीज की दिक्कत हो, किसी चीज की जरूरत हो तो स्वाति अंदर है, मांग लियो, ठीक है? ना भाई मुझे किसी चीज की जरूरत ना है, मैं तो तेरी जीजा को देख रही थी, आए ना अभी तक वो। तेरा मन ना कर रहा होगा रहने का, भारी लग रहा होगा तेरे को घर। भाई मुझे घर भारी ना लग रहा, वहाँ भी तो जाना है, मुझे सारा काम पहला पड़ा होगा, कितने दिन लग जाएंगे सिलवाने में। अरे आ जाएंगे ले जाएंगे, कोई बात ना, चली जियो आराम से। ठीक है भाई। ठीक है। दीदी चाय पी रही हो? हाँ चाय पी रही, अमित देगा बना के मुझे। अमित जी? हाँ चाय बोल रहा बना रखी उसने। अब से पहले तो मुझे अमित जी ने कभी चाय नहीं दी, और बहन की आती बहन को चाय दीजिए। दी मेरे सिर में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है, आप ऐसा करो ना, आज झाड़ू पोछा आप कर लो प्लीज, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है ठीक है।
पीने वाली। ना जाने स्वाति मुझसे क्यों चिड़चिड़ी रहती है, अमित ने चाय दे दी इससे भी किलस रही है। और वो मुझे कह रही है घर का काम कर लेना, मेरे घर में तो खुद नौकर काम करते हैं, पता ये मुझे काम को कह रही है। आज तक मैंने अपने घर पे तो काम करा नहीं, यहाँ मुझे काम करना पड़ रहा, क्या करूं, अपने भाई की खुशी के लिए कर रही हूँ ये सब। हाय राम, एक तो इतनी गर्मी हो रही, ऊपर से ये काम करो, मैं तो थक गई बिल्कुल, पता नहीं कब आएंगे। आई थी मैं यहाँ से, सोच रही थी अपने भाई से मिलूंगी, थोड़ा खुशी से रहूंगी। अजी आपने दिल्ली में इतने दिन कैसा लगा दिए, लगा दिए कह के तो गए आप 15 दिन, लगा दिया आपने 20-25 दिन वहाँ पे। तुम्हें तो पता ही है कि दिल्ली में लोग कितने बिजी हैं, फैक्ट्री का काम था, कभी कोई लोग घर पे मिल जाता है कभी नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा ये बात है। और हाँ, तुम्हारे भैया के घर तुम्हारा मन नहीं लगा? अजी मन तो मेरा बहुत लगा, यहाँ सुवाती है मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन क्या करूँ, मुझे वहाँ की भी तो बहुत चिंता है। चल ठीक है, तो अब जल्दी चल, ठीक है, बहुत लेट हो रहा है क्योंकि धूप हो जाएगी। ठीक है अमित, चलूँ भाई मैं। अरे लोग जब 2-4 दिन और। भाई मुझे वहाँ का तो देखना है, ऐसा कर अगर तुझे कोई दिक्कत हो पैसों की किसी भी चीज की, मेरे भाई तो मुझे बता दिए, तो मेरा छोटा भाई है, ठीक है। हाँ अमित, दिक्कत मत मानना जरा सी भी। अरे मुझे दिक्कत लेने क्या जरूरत है, ये मेरी दीदी मेरे जीजा जी मेरे साथ है, तो एक मिनट रुको अभी चले जाना। स्वाति, स्वाति। हाँ जी। अरे मेरे पैंट की जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, दे देना जरा। ला रही हूँ। ये लो। ये क्या 200 रुपए? और पैसे कहाँ हैं? बस यही पैसे थे। लो दीदी। अरे भाई इनकी जरूरत ना है, तू खुश रहे बस, मैं तो यही चाहती हूँ। अरे अमित काहे को फिकर कर रहा है, इनकी क्या जरूरत थी? जीजा जी जब तक जिंदा हूँ जब तक लेते रहो, जब चला जाऊंगा फिर कौन देने बैठा तुम्हें। ऐसी बात मत कर। अरे पागल, हम तो तेरे साथ हैं, फिकर मत कर, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, आराम से जाना, फोन कर दे घर जाके। ठीक है भाई, कर दो, नमस्ते। चलो मेरी दीदी वाकई में बड़ी खुश है। तो खुश तो होवेंगी, एक महीना किसी और के घर में खा के गई है तो खुश तो होवेंगी। ऐसा क्यों कह रही है तू, जितना घर मेरा ना उतना ही मेरी बहन का घर है, वो चाहे एक दिन रहे चाहे 10 दिन रहे, उसका घर है, जितने दिन उसका मन करेगा उतने दिन रहेगी यहाँ पे। तो तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं कभी तुमसे पैसे मांगू तो मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, और बहन क्या थी पूरी की पूरी गड्डी उसे थमा दी, मेरे दिल पे कैसे बीत रही होगी। अच्छा एक बात बता, मेरी पैंट की जेब में 2-3 हजार रुपए पड़े थे, तू 200 रुपए लेकर आई थी? मैं जानबूझ के 200 रुपए लेकर आई थी, जेब में तो 3 हजार रुपए थे, लेकिन मुझे पता था अगर वो पैसे मैं तुम्हारे पास ले आती ना तो 3 के 3 हजार रुपए तुम उन्हें दे देते। अरे तू तो बड़ी बुरी लुगाई है, तू तो बहुत मक्कार है, अरे तेरे मन में इतना गंदा लालच बसा हुआ ना, इस लालच को निकाल दे। अच्छा मैं मक्कार हूँ, मैं लालची हूँ, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि इस पूरे घर का राशन पानी मैं संभालती हूँ, अगर मैं ये सब ना करूँ ना तो तुम्हें पैसे दिखाई नहीं देंगे। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो तुम्हारे भाई बहन दिखाई देते हैं, मैं कहाँ, और अगर मैं तुमसे कुछ कह दूँ तो तुम मुजोरी पे चले आते हो। एक बात बताऊँ, अगर 1500 रुपए उन्हें दे देते तुम गरीब ना हो जाते, और एक बात सुन ले मेरी, यू कच्चा लालच ना तुझे एक दिन लेकर डूबेगा। हाँ हाँ देख लूंगी, आए बड़े चल के, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। अरे पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे आना हुआ? बस मिलने आ गया था। अच्छा अपनी बच्ची से मिली हम। और सब ठीक घर में? हाँ सब ठीक। चलो पानी ले आती हूँ आपके लिए। ना पानी ना बेटा, बैठे रहो। क्या हो गया, कैसे हारे हारे से लग रहे हो, कुछ बात हो गई क्या? ना कोई बात नहीं,
अमित कहाँ है? अमित जी तो काम पे गए हुए हैं। अच्छा। और मेरी छोटी बहन की पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा, उसकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, पर उसकी फीस जमा होनी थी, नहीं तो उसकी डेट निकल जाएगी। तो मुझे पैसों की जरूरत थी, सैलरी भी नहीं आई अभी। अच्छे पापा, तो कितने पैसों की जरूरत है बताओ मुझे। बस ज्यादा नहीं, 5,000। अरे पापा, अब कैसी बात कर रहे हो, इतने पैसे तो मेरे पास हैं। आप रुको, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो पापा, ये 5,500 रुपये। चलो ठीक है। अभी जा रहे हो? हाँ अभी जा। कल चले जाना ना। ना बेटा, उसकी फीस भी तो जमा करनी है ना। चलो आज ही जमा करनी है। खाना ले आऊं फिर? ना ना, खाना नहीं बेटा। ठीक है, ठीक, ध्यान से जाना। हाँ जी आई। क्या हो गया? तेरे पापा आए घर पे? हाँ आए तो थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने गली में देखे पैसे कितने जा रहे। तेरी शराबी को पैसे? ओए मेरे पापा को शराबी मत बोल दियो, आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। और पैसे भी वो इसलिए लेकर गए कि छोटी बहन की फीस जमा नहीं हो रही थी कॉलेज में, और मेरे पापा की सैलरी ना आई। अच्छा, आज तूने अपने पापा के लिए तो पैसे बड़ी जल्दी निकाल दिए। अच्छा, मेरी बहन और मेरा जीजा आया, उनकी विदाई के लिए निकले तेरे पे? अच्छा, मेरे पापा को तो पैसों की जरूरत थी इसलिए दे दिए। तुम यू बताओ, तुम्हारी बहन को और तुम्हारे जीजू को किस चीज की परेशानी है? और वैसे भी तुमने आते टाइम भी उन्हें पैसे दिए और जाते टाइम भी दिए, फिर तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? अच्छा, तेरे बाप की तो मजबूरी है, मुझे पता तेरे बाप की कितनी मजबूरी है। वो ठेके पर खड़ा हो गया होगा, देख लीजिए जाके जा। ओह, मेरे बाप के बारे में कुछ मत कह दियो, बेशर्म, बेहाया, बेगैरत। तू कितना बड़ा नशेड़ी, तुझे नहीं पता? अच्छा, मुझे नशेड़ी बता रही है? ना, तू नशेड़ी ना है, तू तो देवता है देवता, तुझे तो पूछूंगी मैं। अरे तू इतना बड़ा नशेड़ी है कि कल तुझे नाली में से ठाके लेकर आई हूँ मैं, फिर भी तुझे शर्म ना, और अब भी नशे में ही झूम रहा तू। अच्छा, तू मुझे नाली में ठाके लेकर आई है? तू और तेरा बाप, तुम जीवान खोरो हमेशा, और जीवान खोर ही रहोगे। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। स्वाति, स्वाति क्या हो गया जी? मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे 4,000 रुपए दे दे जो मेरे पर्स में रखे हैं। 4,000 रुपए तुम्हारे पर्स में है? नहीं मेरे पास। ओए, मेरी बहन की तबीयत खराब है और मुझे जाना पड़ेगा, जा लेकर आ जा। देखो, जो तुमने मुझे पैसे दिए थे, थोड़े पैसे तो मैंने पापा को दे दिए और थोड़े राशन पानी में चले गए। अच्छा, तेरे बाप के लिए पैसे हैं, मेरी बहन के लिए पैसे ना है? अरे मैं कहाँ से लाऊं, जब मैंने बोल दिया वो पैसे इस्तेमाल हो चुके हैं राशन पानी में, तो अब कहाँ से लाऊंगी? देखो मेरे पास नहीं है, तुम्हें अपनी बहन के पास जाना हो तो जाओ। देख भाई, बहन तो मेरी है वो, और उसकी तबीयत खराब है, मुझे जाना तो पड़ेगा, चाहे तू पैसे दे या मत दे। जाओ तो फिर जाओ। भला बात, जब पैसे राशन में काम आ चुके तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? सुनते ही नहीं है। नौकरी छूट गई, ये लो कर लो बात। और नौकरी तो तुम्हारी छूट नहीं थी, जब काम के बीच में 2400 घंटे अपने माइंड में अपनी बहन की बातें रखोगे तो नौकरी कैसे कर लोगे? छूट नहीं थी नौकरी और छुड़वा ली। अरे गलती मेरी बहन की नहीं है, मेरे मैनेजर मुझसे फालतू बोल रहा था, तुझे तो पता मेरा दिमाग कितना गर्म है, मैं धड़ा से चाटा मारा उसमें। अब तो हाथ भी उठने लगे, कुछ और तो तुम्हारे बस की है नहीं, अब हाथ ही उठाया करो, कल मुझ पर हाथ उठाया था, नौकरी और छुड़वा ली तुमने। ओए दिमाग मत खराब कर तू मेरा, मैं वैसे टेंशन में हूँ, अगर ज्यादा बोलेगी तो एक चाट और मारूंगा अभी। कुछ और ना तुम्हारे बस की, मेरे पे हाथ उठा सको, जाओ चले जाओ, वरना और राड हो जाएगी घर में। कल तो मारा ही था, आज और हाथ उठाने लग गए, शर्म पे इनके, ये तो जिंदगी खराब हो गई यहाँ शादी करके। अमित जी, ये लो दवाई खा लो। दवाई लिया ही?
अमित जी तुम आराम करो, मैं ना मूंग की दाल और चावल लेने जा रही हूँ बनिया के यहाँ पे, तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूंगी। और वैसे भी घर पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए। पैसे हैं तुम्हारे पास? अब बनिया तुम्हें उधार नहीं देगा, उसके तो पहले ही पैसे हैं। अमित जी ये बात भी आपकी ठीक है, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन घर में खाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। मुझे एक बार जाके तो देखना पड़ेगा, शायद एक दो बार बोलने से वो दे दें। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। अरे तुम कहीं मत जाओ, मैं कुछ जुगाड़ करके देखता हूँ। पर तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, कैसे करोगे तुम कुछ? अरे मैं कुछ कर लूंगा। क्या हुआ? अरे मैंने कहा था ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसा करती हूँ तुम आराम करो, मैं जाके देखती हूँ। दरवाजे पे कोई आया है। अरे दीदी आप? नमस्ते। नमस्ते, घर पे कोई भी ना? मैं पूरा घर देख ही आई। वो क्या ना अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, देखो वो रहे। क्या हो गया मेरे भाई को? आओ दीदी बैठो। अमित भाई तेरी इतनी तबीयत खराब है, तुमने मुझे फोन भी नहीं करा, क्या मैं तेरे दुश्मन बन गई क्या? अमित तेरी नौकरी भी छूट गई और तू बीमार भी हो रहा, तुमने मुझे एक बार भी फोन करके नहीं बताया। कहता है मेरी दीदी सब कुछ है मेरी माँ बाप के सिवा। अरे कोई बात नहीं बहन, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है। एक बात बता, तू यहाँ चाचा के घर में क्यों लौट रहा है? घर नहीं हमारा, अब तेरी बहन आ गई है, तू चिंता मत कर, चल खड़ा हो घर चल। चक्कर आ रहा है, ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई को अपना आप उठा के लेता हूँ। क्या हालत बना ली अपनी, एक फोन न कर सका। ले भाई। बहन ये क्या? भाई ले रख ले, ये तबीयत खराब है। नहीं बहन मैं नहीं लूंगा, हर रक्षाबंधन पे तो भाई बहन को पैसे देता है और तू मुझे पैसे दे रही है। भाई तू मुझे एक बात बता, कौन सी किताब में लिख रहा है कि भाई बहन को पैसे देगा? भाई की मजबूरी में बहन काम नहीं आ सकती, तेरी नौकरी छूट गई, तू बीमार पड़ा है, मैं तेरे काम नहीं आ सकती, मैं तेरी बहन हूँ, ले पकड़। अरे वो बात तुम्हारी ठीक है, पर बहन ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुझसे पैसे लूंगा। मेरे भाई अगर ऐसी बात है ना, अगले साल मुझे डबल करके दे दिए तो ठीक है बहन, अब ले लूंगा। अरे जब डबल ही मिलने हैं तो 10 मैं दे देता हूँ। ले भाई अमित। ले भाई तेरे डबल हो गए। डबल नहीं मैं तुम्हें तिबल दूं। अरे अमित तू ठीक रहे, खुश रहे, हमारे लिए यही सब कुछ है। मुझे माफ कर दो। अरे स्वाति अरे तू तो मेरे छोटे बच्चों की तरह है, मैंने कभी तेरी बात का बुरा नहीं माना है। नहीं दीदी आज मुझे भाई बहन का रिश्ता समझ आया कि क्या होता है, मैंने आप दोनों के साथ इतनी बदसुलूकी की फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा, और आज मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आप हमारे साथ खड़ी हो, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। और हाँ दीदी आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी, बस आप मुझे इस बार माफ कर दो। अगली हाथ पे जोड़ रही है, मैं तो ये चाहती हूँ तुम दोनों ना हमेशा खुश रहो। अरे अब तो राखी बांध दी, अब तो घर चलो। अजी घर आप ही जाओ, मैं तो कम से कम 15 दिन रहूंगी यहाँ। 15 दिन? तो फिर मैं ही क्यों जाऊंगा, मैं भी यही रहूंगा, अगर रक्षाबंधन की रस्म पूरी होगी हो तो खाना वाना बना लो।